गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। वैसे तो मेरे वीडियो आप लोग देख रहे होंगे जिसमें हम इस समय सिंटैक्स पढ़ा रहे हैं। संडे संडे हम टेंस भी पढ़ाया करेंगे। आज से हम लोग टेंस की बात करते हैं और संडे संडे आपको टेंस मिलता है। हम लोग बात करते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है और टेंस जो है ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम लोग देखते हैं, इसको कई पार्ट में टाइम को बांटा गया है। आप जानते हैं मिनट, सेकेंड, डेज, ईयर, बहुत सारी चीजें, और इसका संबंध कॉम्प्लीमेंट से होता है, किसी सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट से होता है और इसका संबंध वर्ब से होता है। इसीलिए टाइम को टेंस नहीं कह सकते, जबकि दोनों का अर्थ समय ही होता है। तो ये रहा टाइम और टेंस में अंतर। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेंस की। काइंड्स ऑफ टेंस, इसमें आप लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इतना तो ये कॉमन सी बात आप सभी को पता होगी। ये चार तीनों जो टेंस है, इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं और सबको हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर इसके इंट्रो की अगर बात करते हैं तो हिंदी में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द दिए रहते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का इसका पहचान जो होता है, इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का ईएस होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, पढ़ाया भी जाता होगा कि पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है होता है, लेकिन मैं बात करता हूं कि पहला सेंटेंस सिंपल होता है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इसकी डिफिनीशन होती है अ सेंटेंस व्हिच पॉजेस वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट इंडिफिनिट में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। याद कर लीजिएगा रूल ऑफ एस और ई एस, इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले। पहली बात तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है उसी में एस या ई एस लगाया जाता है। अर्थात अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसकी वर्ब माइनस एस या ई एस होता है, ये जान लीजिएगा। और ये चीज और याद रखिएगा, वर्ब के अंत में ओ एस एच, एस एच, सी एच, एक्स, एस या डबल एस हो
तो इनके साथ ईएस आता है, बाकी शेष जितनी होती हैं सबके साथ केवल एस का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब में ही एस या ईएस का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब में एस या ईएस माइनस होता अर्थात एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। यदि वर्ब के अंत में ओ एस एच सी एच एच एस या डबल एस है तो उसके साथ ईएस लगेगा, अन्यथा केवल एस लगाया जाएगा। अगर इसकी बात करें हम निगेटिव की, तो निगेटिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जैसे देखे राम आम खाता है तो राम ईट्स मैंगो, ईट्स ईट में टी था इसलिए केवल यस लगा। अगर ये होता वहाँ बाजार जाता है तो ही गोज टू मैंगो, गोज टू मार्केट, क्योंकि वहाँ पर उसके अंत में ओ आ रहा है तो उसके साथ यस लग जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा जब निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, जब हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग हो जाता है तो मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। इसका नियम है क्लाज इफेक्ट शुड बी फॉलो ओनली वन वर्ब आइदर हेल्पिंग वर्ब आर मेन वर्ब, केवल एक पर ही फॉलो किया जाता है। अब जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, अगर ये आ जाए वह गेंद नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले बॉल। ध्यान दीजिए सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। नोट कर सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगल इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसमें भी वही सिंगुलर और प्लूरल याद रखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू का प्रयोग होगा। जैसे क्या अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, डज टीचर टीच हिंदी। अगर इसी का निगेटिव आ जाए तो ये हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं, डू दे नॉट राइट लेटर। अब हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं उन्हें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हम बात करेंगे पहले हु की, हु प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा हु से संबंधित वाक्य में सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हु स्वयं सब्जेक्ट का काम करता है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा पार्ट ऑफ स्पीच का तो मैंने वो डबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बताया है कि हु को सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन माना जाता है, ये सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है इसलिए इसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता और ना इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग होता क्योंकि ये स्वयं सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे दरवाजा कौन खटखटाता है तो हो जाएगा हु नॉक्स एट द डोर। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट या हुम प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट नो ऑब्जेक्ट। हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता और व्हाट और हुम वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होता। व्हाट और हुम को मैंने साथ में इसलिए रखा बिकॉज दीज टू इंट्रोगेटिव वर्ड्स इंडिकेट टू वर्ड्स ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों ही इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट की ओर इंडिकेट करते हैं इसीलिए इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फिर आप कहेंगे सर फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो इसमें हु और हुम और व्हाट ही ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो whom जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ओर इंडिकेट करता है, मतलब लिविंग बींग्स की ओर इंडिकेट करता है, और what डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ओर इंडिकेट करता है, मतलब नॉन लिविंग बींग्स की ओर इंडिकेट करता है। और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग पूरे इंट्रोगेटिव के एक साथ एक ही सेंटेंस में लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि हर इंट्रोगेटिव वर्ड का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। फिर हम बात करते हैं वाई, when, where, how, plus do you others, plus subject, plus be first, plus object। मैं थोड़ा what और whom में और बात कर देता हूँ। what का example जैसे अध्यापक क्या पढ़ाते हैं, तो what does teacher teach। अगर ये आ जाए अध्यापक किसे पढ़ाते हैं, तो whom does teacher teach। फिर हम बात करें why, when, where और how। इनका स्ट्रक्चर इनसे अलग इसलिए है क्योंकि who में सब्जेक्ट नहीं होता, what में ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन वर्ब। If the verb is transitive verb, it must be followed by object. If the verb is intransitive verb, it does not need an object to complete its sense. ठीक है, तो ये और ध्यान दीजिएगा, why, when, where और how, ये सब एडवर्ब का काम करते हैं। ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे तुम खाना क्यों खाते हो, तो why do you eat food। वह बाजार कब जाता है, when does he go to market। बच्चे कहाँ खेलते हैं, where do children play। वह गाना कैसे गाता है, how does he sing a song। तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी निगेटिव सेंटेंस आता है, तो हमेशा निगेटिव वर्ड जो होता है उसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। मैं शॉर्टकट में थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ, मुझे जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि मेरे नवोदय विद्यालय के बच्चों की डिमांड पर मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कोई ट्रांसलेशन आपको दिक्कत कर रहा है, तो आप लोग कमेंट करिए मेरे चैनल पर, मैं सारे ट्रांसलेशन किया करूँगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे की, इन्हें नोट कर लें आप लोग। डबल इंट्रोगेटिव को और आगे बढ़ाते हुए हम कुछ शब्द बाकी उनकी बात कर लेते हैं, जैसे विच, हूज, हाउ मच, हाउ मैनी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस डू अदर्स, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वी फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, हर स्ट्रक्चर आपको अलग अलग नजर आ रहा होगा। हु में देखा सब्जेक्ट नहीं था, व्हाट में देखा ऑब्जेक्ट नहीं था, व्हाई, व्हेन, व्हेयर में देखो, व्हाई, व्हेन, व्हेयर, हाउ में देखा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। सब्जेक्ट तो 100% रहेगा, ऑब्जेक्ट बताया कि हो सकता है नहीं हो सकता, वो वर्ब पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर विच, हूज, हाउ मच, हाउ मैनी, ये जो होते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। एडजेक्टिव का चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग देखिएगा। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। एंड एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव यू नो इट वेल दैट एडजेक्टिव इज यूज बिफोर दैट वर्ड विच इट मोडिफाइज। एडजेक्टिव का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसकी ये विशेषता बताता है। इसीलिए ये विच, हूज, हाउ मच और हाउ मैनी के बाद जो नाउन रहेगा वो इनके ट्रांसलेशन में इनके तुरंत बाद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। इसीलिए मैं बता दूं, सारे स्ट्रक्चर अलग हैं, सबका अलग अलग है। इनका अलग है, हु का बताया मैंने, हु अलग है, वाट अलग है, वो वाई वन हुआ है, भाव वाला अलग है, इनका भी अलग है। इसमें कभी कभी वाट भी आ जाता है। इसका एक एक मैं ट्रांसलेशन बता दूं, तो आप लोग, एक ट्रांसलेशन में बता दे रहा हूं, वह कौन सी फिल्म देखता है। अब यहां देखिए कौन सी के बाद फिल्म आया,
तो कौन सी मतलब विच, और विच किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, नाउन की ओर। तो पहले लिखेंगे विच और उसके बाद लिखेंगे मूवी, मूवी। तो ये एडजेक्टिव को काम कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो विच मूवी डज ही वॉच। इसी तरह अगर ये आ जाए वे लोग कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, तो सॉरी किसकी पुस्तक पढ़ते हैं, तो हुज बुक डू दे रीड। अगर ये आ जाए हाउ मच वाला है, जैसे बच्चा कितना दूध पीता है, तो हाउ मच मिल्क डज चाइल्ड ड्रिंक। ध्यान दीजिएगा हाउ मैनी और हाउ मच में अंतर होता है, क्योंकि मैनी जो होता है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, और मच जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। तो इसके बाद जो भी प्रोनाउन, जो भी नाउन आएगा हाउ मच के बाद, वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, अर्थात वो नाउन क्वांटिटी बता रहा होगा, और हाउ मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो नंबर बता रहा होगा, काउंटेबल नाउन होगा वो। तो जैसे यहाँ देख लें, बच्चा कितना दूध पीता है, तो हाउ मच मिल्क डज चाइल्ड ड्रिंक। अब ये है तुम कितनी पुस्तकें खरीदते हो, हाउ मेनी बुक्स डू यू बाई। तो यहाँ पर मेनी के बाद बुक्स आया है, बुक्स काउंटेबल नाउन है। इसमें व्हाट वाला भी मैंने बताया, कभी कभी व्हाट आ जाता है। जैसे आ जाए मदन कौन सा, मदन क्या खेल खेलेगा, क्या खेल खेलेगा, खेल सॉरी खेलता है, आई एम सॉरी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। तो मदन क्या खेल खेलता है, तो इसका हो जाएगा व्हाट गेम डज मदन प्ले। तो कभी कभी व्हाट भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करने लगता है, जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसके बाद तुरंत नाउन आएगा। तो मैंने बताया आपको, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े आप लोग। हर संडे को मैं एक टेंस खत्म करूंगा, और समय मिला तो ज़्यादा भी और दो दो टेंस खत्म करूंगा। आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए, और जो लोग नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।